क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने शादी से पहले, मगर सब कुछ उसके ऑपोजिट हुआ। तुमने जितने वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर सके। मैंने बहुत कोशिश की निभा करने की, बेशुमार कॉम्प्रोमाइजेस किए, मगर अफसोस मैं हार गई। तुम नहीं हारी, हम दोनों हार गए। हमारा रिश्ता हार गया, हमारी जिंदगी हार गई। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। एक औरत को मर्द से सिर्फ वफा चाहिए होती है, जो तुमने मुझे कभी नहीं दी। वफा का मतलब क्या है तुम्हारी डिक्शनरी में? गुलामी, जी हजूरी, पाबंदी, खुशामद। बस इसी गुलामी से तुम्हें आजाद कर रही हूँ। यूं मजीद घुट घुट के जीने से बेहतर है कि हम दोनों ही अलग हो जाएं। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का। मैं भी इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों इलास्टिक की तरह इस रिश्ते को खींचे ही जा रहे हो? फिर क्या चाह रही हो तुम? हाँ बोलो, व्हाट डू यू वांट? डिवोर्स। सारा, 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 ब्रेकफास्ट रेडी है। सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है? शोर नहीं, नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए। सोचा इस घर में आज आखिरी दिन है हमारा, तो क्यों ना साथ बैठ के नाश्ता कर लिया जाए। आखिरी दिन मेरा है इस घर में, तुम्हारा नहीं। घर छोड़ के मैं जा रही हूं, तुम तो यहीं रहोगे अपने घर में। लेकिन घर तो ये सिर्फ आज तक के लिए है ना, तुम्हारे जाने के बाद तो ये सिर्फ एक मकान रह जाएगा। मेरे होते भी ये मकान ही रहा है, घर तो कभी बन ही नहीं सका। घर को घर औरत बनाती है। टिपिकल मेल मेंटालिटी, हर बात का कसूर तुमने औरत को ही देना है। अच्छा छोड़ो ना, आओ नाश्ता करो। समीर, आर यू सीरियस? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हाउ कैन यू बिहेव सो नॉर्मल? नाश्ता बनाया, व्हाट इज दिस ड्रामेबाजी? ड्रामेबाजी नहीं, प्यार है ये। प्यार जो कि खत्म हो चुका है। खत्म हमारा रिश्ता हुआ, प्यार नहीं। डिवोर्स से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, मोहब्बतें नहीं। क्योंकि दिलों के तलाक नामे नहीं होते। तलाक नामे नहीं होते, लेकिन आप नामे जरूर होते हैं। इंसान जब चाहे जिसे चाहे अपने दिल से आप कर सकता है, जैसे कि हम दोनों ने एक दूसरे को कर दिया। अच्छा नाश्ता तो करती जाओ, बहुत प्यार से बनाया है, जहर नहीं मिलाया इसमें। जहर जिंदा लोगों को दिया जाता है, मरे हुओं को नहीं। और मैं तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे चीट किया था। एक्सक्यूज मी, चीट नहीं किया था, झूठ बोला था, जिसकी मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? वैसे तुम्हें माफ कर देना चाहिए था, ये झूठ सिर्फ मैंने अपना रिश्ता बचाने के लिए बोला था। तो रिश्ता बचाने की नौबत ही क्यों आई? तो क्या बोलना चाहिए था मुझे?
कि भूरबन में शेजा भी है, पूरा घर सर पे उठा लेता था तुमने, कयामत बर्पा हो जाती। एक बीवी को ऐसे ही करना चाहिए अगर उसका शौहर गर्लफ्रेंड के साथ बाहर छुट्टियां मनाने गया हो। मैं कितनी दफा बता चुका हूँ तुमको, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कुलीग है, काम करती है साथ मेरे। काम करने गया था, सेमिनार अटेंड करने गया था। तुम मुझे भी ले जाते हैं ना, तुम्हारे कॉलीग्स भी तो अपनी बीवियों को लेकर गए थे। हाँ ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे, मैं सिर्फ ये सोच रहा था मैं काम पे जाऊंगा तो पीछे होटल में बोर होगी तुम। बोर होगी? ऑफ कोर्स, जब तुम ऑफिस जाते हो तो पीछे घर में मैं अकेली होती हूँ ना। घर पे अकेली रहती हूँ, वैसे आपस की बात है, जितनी दफा तुम्हें फोन किया है ना, मम्मी के घर पे हूँ। शादी के बाद इतना टाइम तुमने घर पे नहीं गुजारा जितना अपनी मम्मी के घर पे गुजारा। तो इसमें मसला क्या है, मतलब अब मैं मम्मी के घर जाने के लिए भी तुमसे इजाजत लूं? पूछो तो हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वही तकिया नोसी बातें तुम्हारी। और बाय द वे, सेमिनार से वापस आने के बाद हॉलिडे भी प्लान किया था तुम्हारे साथ, उसके लिए डे ऑफ भी लिए थे, खुद ही इनकार किया था तुमने। वो ट्रिप तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि अपनी गलती को कवर करने के लिए किया था, एज ए कंपनसेशन। जिसे तुम कंपनसेशन कह रही हो, मेरी मोहब्बत थी वो। मोहब्बत? मेरा जोक। अच्छा चलो आओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। इधर जज्बात ठंडे हो चुके हैं, उनकी परवाह नहीं, और नाश्ता ठंडा होने की फिक्र है। ये तुम्हारे माइंड में वॉइस ओवर बस चल रहे होते हैं ना, ये मेरे मुंह पे भी कह सकती हो तुम, माइंड नहीं करूंगा मैं। अच्छा चलो आओ ना, नाश्ता ठंडा हो। सॉरी, हाथ पकड़ने की आदत है ना मुझे, और छोड़ भी दिया। क्या? अच्छा आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आज आखिरी बार साथ मिलके नाश्ता ही कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। समीर, काश यही इल्तिजा तुम मुझे रोकने के लिए भी करते। फिर से कोई वॉइस ओवर चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? नहीं। कैसा लगा नाश्ता? वैसे बहुत दूर अंदेश हो तुम्हें पता था कि एक दिन हम अलग हो जाएंगे, इसलिए मुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। खाना बनाना मैंने तुम्हें अपना हाथ बटाने के लिए सिखाया था, ना कि हाथ छुड़ाने के लिए। लॉयर का मैसेज है, ठीक 9 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है डिवोर्स फाइल करने के लिए। जानता हूं, मुझे भी आ चुका है। तुम्हें पता है समीर, मैं शादी से पहले तुमसे लड़ा करती थी कि हमारी शादी कब होगी। मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, मजीद मजबूत करना चाहती थी, और अब सोचते तो हैरानी होती है, ये कैसा मजबूत रिश्ता है कि एक सिग्नेचर से जुड़ गया, दूसरे सिग्नेचर से टूट गया। तुम्हें पता, शादी से पहले ना मैं सुना करता था कि सबसे ज्यादा डिवोर्स लव मैरिजेस में होती है। फिर मैं ये सोचता था कि जब मेरी लव मैरिज होगी ना, बेस्ट एग्जांपल बनाऊंगा मैं, लेकिन आज यकीन होता है कि सब सच कहते थे। Now you are blaming our love marriage for our divorce. What do you mean? मतलब अगर हमारी अरेंज मैरिज हुई होती तो आज हम ऐसी खुशी रह रहे होते? शायद। ये जो लव मैरिज वाले कपल होते हैं ना, अपनी सारी जिंदगी के
खूबसूरत लम्हे पहले जी चुके होते हैं। फिर उसके बाद हमारी तरह नए लम्हे ढूंढने के चक्कर में जो पुराने होते हैं उनको भी खो बैठते हैं। तो तुमसे नया मांगा किसने था? पुरानी को लेकर ही चलते हैं ना। खैर, अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी। चलो सुनो सुनो, देर वहां होती है जहां किसी को जाना हो, वहां नहीं जहां किसी को मनाना हो। चलो एक काम करते हैं, अब कल हमारी डिवोर्स हो ही जानी है और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे, तो क्यों ना आज हम एक दूसरे के लिए टॉक्सिक मियां बीवी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन के जिंदगी गुजारते, जैसे हम शादी से पहले थे। दोस्ती तो खत्म हो गई, जिस दिन हम हस्बैंड एंड वाइफ बने थे उसी दिन हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। काश कि हमारी दोस्ती खत्म ना हुई होती और आज ये नौबत ना आती। जब ही तो कह रहा हूं आज का दिन दोस्ती के नाम, ना तुम मेरी बीवी ना मैं तुम्हारा हस्बैंड, वी जस्ट फ्रेंड्स। हाय समीर, योर कॉलेज फ्रेंड। This is Sarah. Nice meeting you. कहाँ चली गई? आज आखिरी दिन है और काफी सारी पैकिंग करनी है मुझे। ये क्या, यहाँ पे क्या कर रही थी? स्टोर रूम में, यहाँ तो सारी बेकार चीजें होती हैं। चीजें बेकार नहीं होती, वो तो हम इंसान ही इन्हें इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। सो तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी कीमती चीज नहीं लेकर जाऊंगी तुम्हारे घर से। सबसे कीमती चीज तो तुम थी, उसी से तो मुझे अलग कर दिया। अब ये बात एक दोस्त कह रहा है या फिर एक शौहर? एक शौहर की शक्ल में दोस्त। सुनो समीर, तुम हमेशा मेरे पास तो रहे हो लेकिन साथ कभी भी नहीं रहे, और पास रहने और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। काश के मोहब्बत के इस सफर में हम दोनों एक दूसरे के साथ चले होते, साथ चलने वाले होते हैं ना, उसमें कभी कोई आगे निकल जाता है कोई पीछे, लेकिन आगे बढ़ जाने वाला पीछे वाले को हाथ देके अपने बराबर कर लेता है। लेकिन हम दोनों किसी एक अजीब गोल दायरे में घूमते रहे और उसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। फिर ये होता है कि दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि हम बेस्ट हैं, हम बेहतर हैं, और इसी तरह पैदा होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है।
तभी तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे हो। क्या करता, मोहब्बत इतनी की थी, एक दिन उसने अलहदगी चाही और मैंने कहा जी हुजूर। अपनी मर्जी से अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहा, वो खुद भी यही चाहती है। अभी उससे वजह जानने की कोशिश की है? कोशिश की थी। फिर क्या नतीजा निकला? नतीजे पर तो तब पहुंचते जब हमारी बात हमारे बीच रहती, नहीं तो छोटी से छोटी बात उसकी अम्मी तक पहुंच जाती थी, फिर उसकी दोस्तों तक, और तो और सोशल मीडिया की जीनत बन जाती थी। और मैं तो बस अपनी सफाइयां ही देते रह गया। दूसरों को ही सफाइयां देते रहे हो ना, कभी अपनी बीवी से गिला किया इस बात का कि वो क्या जाती है, क्यों ऐसा कर रही है? क्यों करता मैं गिला? क्या उसे नजर नहीं आ रहा था ये हमारी जिंदगी है? हमें इसे सोशल मीडिया का इश्तेहार नहीं बनाना चाहिए, राइट? यूं तो तुम्हारी बीवी को भी तुमसे यही शिकायत है कि तुम अपनी हर पर्सनल बात अपनी गर्लफ्रेंड अपनी कॉलीग शिजा से शेयर करते हो। हाँ तो क्या करता मैं जब वो हमारी लाइफ की छोटी छोटी बातें जाके सबको बता सकती है, अपनी फैमिली को, अपनी दोस्तों को, तो क्या मुझे कोई नहीं चाहिए बात शेयर करने के लिए? That's the point. कसूर तो फिर तुम दोनों का हुआ ना, लेकिन तुम सारे तोपों का रुख अपनी बीवी की तरफ कर देते हो, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते हो। खैर, इसके अलावा क्या वजह है तुम दोनों के बीच में डिवोर्स की? कोई एक वजह? There are so many issues. ऑफिस की फाइल्स घर पर ले आते हो, पूरा ऑफिस उठा लाते हो, घर को तो घर रहने दो ना यार। हाँ तो वो भी और क्या करे, जब वो थका हारा घर आता है, बजाय ये कि वो उसका घर पे इंतजार करे, उसके घर हो, वो अपनी मम्मी क्या होती है? एक तो बात बात पर मेरी माँ बीच में क्यों आ जाती है? अभी तुम्हारी मम्मी कभी तुमसे अलग हुई नहीं। मैं तो सबको यही नसीहत करूंगा कि भाई जब भी शादी करो, ऐसी जगह शादी करना जिस लड़की का मैका उसी शहर में ना हो, ताकि एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस तो हो। बात बात पे वापस चले जाना, बात बात पे बात करना। यू मीन टू से कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरा घर बसे? यार ये बात तो तुम अपनी माँ से पूछो, जिनको अपनी बहू का बार बार मैके जाना बुरा लगता है, उंगली उठाती हैं, लेकिन अपनी बेटी का बार बार घर आना बुरा नहीं लगता। और क्या प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से? वो तुमने खुद ही मेंशन कर दिया। क्या झूठ बोलता है?
बहुत झूठ बोलता है। वो इसलिए कि तुम बहुत शकी हो, अपनी शकी नेशा की वजह से तुम हर्ट ना हो इसलिए वो तुमसे झूठ बोलता है। वो जानता है वो तुम्हें सच बोलेगा तो तुम हर्ट होगी और उसकी बात का कभी यकीन नहीं करोगी। वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेटिंग द ट्रूथ। बस इतनी सी बात है। लेम एक्सक्यूज है सब, झूठ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। वाणी इस बात पे मुझे वो सीजन याद आ गया, नेकलेस। मैंने कौन सा पूरा देखा था? उसी रात तो हमारा झगड़ा हुआ था, फिर मैंने देखना छोड़ दिया। मैंने भी नहीं देखा सीजन। तो क्या, जब से बीवी से लड़ाई हुई है कोई फिल्म भी नहीं देखी। देखा, फिर से झूठ। कसम से। अब ये तुमने अपने दोस्त की कसम खाई है या अपनी बीवी की? यार देखो, आज आखिरी रात है हमारी साथ में, चलो चल के वो नेटफ्लिक्स का सीजन खत्म करते हैं, प्लीज। इसलिए हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे नहीं लेना चाहिए था। कम ऑन तानिया, तुम बार बार खुद को कसूरवार ठहरा कर मुझे भी शर्मिंदा कर रही हो। चलो रोना बंद करो। तुम्हारे मोबाइल में जो आज पिक्स हैं, बात तो बताओ। पिक्चर्स ज्वेलर को दिखा के तुम्हें भी तो कुछ इश्यूज होंगे ना अपनी वाइफ से। लेकिन वो तो बहुत महंगा बनेगा ना, वो तो बहुत कीमती। जैसे कि जब भी काम से थके हुए घर आओ और बोलो खाना क्या पकाया, तो कहा जाता था ऑर्डर कर लो। अरे भाई, अगर मैंने शादी के बाद भी ऑर्डर ही करना है तो शादी क्यों की? अच्छा, तो तुमने घर का खाना खाने के लिए शादी की थी? इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जाहिर है शादी के बाद बाहर से खाने की क्या जरूरत है। तुमने तो सुना ही होगा, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। हाँ, तो ऐसी बात थी तो तुम कह सकते थे कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए घर में खाना बना देती। लेकिन तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन मैं कहता क्यों? क्या वो मेरी नजरें नहीं पड़ सकती थी? बीवी है, कोई जादूगरनी तो नहीं है ना। और अगर मियां बीवी के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे डिस्कस कर लेना चाहिए, ना कि बैठ के ये सोचते रहो अच्छा कि वो मेरी आंखें पढ़ लेगा। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही जगहों पे खामोश रहा। मुझे नहीं रहना चाहिए था, कह देना चाहिए था, लेकिन अक्सर ये सोच के चुप रह जाता था कि कुछ कहूंगा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। जरूरी तो नहीं कि हर बार ही बात आगे बढ़े, कभी कुछ बातें खत्म करने के लिए भी बात करनी पड़ती है। हम आज कितने अरसे बाद इकट्ठे इस तरह बैठे हैं। बात की है, वरना हमारे बीच खामोशी के सवाल कुछ नहीं। I'm missing my wife. मिस तो तुमने सच में कर दिया मुझे।
सारा क्या हम फिर से? रात बहुत हो गई है, यू मस्ट स्लीप नाउ, सुबह हमने कोर्ट भी जाना है। यही सब बातें जो आज दोस्त बनकर हमने एक दूसरे से की हैं। काश मियां बीवी होते हुए भी की होती तो कल हमें कोर्ट न जाना पड़ता। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमारा ये रिश्ता बच जाए, लेकिन शायद सारे ही नहीं चाहते। फिर हम अलग क्यों हो रहे हैं? क्यों एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं? बात तो सिर्फ जरा सी थी, मिल बैठकर ही हल कर लेते तो ये नौबत ही ना आती। अगर अफसोस मैंने सब के लिए शिकवे औरों से तो किए, मगर कुछ और से ही नहीं किए। हाँ जुनेद, हम लोग कोर्ट ही आ रहे हैं। थैंक्स। डिवोर्स हमारी हो रही है और एक्साइटमेंट सारी दुनिया को है। हमसे ज्यादा जल्दी है हमारे लॉयर्स को। I think we need some time. So, divorce cancel. एक शर्त पर। आप बोलो क्या? अगर तुम रोज मुझे अपने हाथ से नाश्ता बना के खिलाओगे अगर तुम मेरा हाथ खिलाओगी तो